प्रतिज्ञा मेरी दूसरी पहचान बन चुका है वो किरदार, और वो आज भी मेरी रगों में दौड़ता है। वो जब 10 साल बाद मैंने यू नो रिज्यूम किया था उस कैरेक्टर को, मुझे उसमें कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ा था, इट जस्ट केम नेचुरली, क्योंकि 3.5 साल में वो प्ले कर चुकी थी। एंड इट इज़ वन ऑफ माई मोस्ट इम्पैक्टफुल कैरेक्टर्स, जो मुझ पे भी बहुत इम्पैक्ट हुआ था, बाकी लोगों पे तो हुआ ही था। सो या आई थिंक उस कैरेक्टर ने मुझ पर भी उतना ही असर डाला है जितना बाकी लोगों पे डाला है। ओके, आपके लिए कितना अवार्ड इम्पोर्टेंट रखता है? बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपको जब अप्रिशिएट किया जाता है तो आपको काम और अच्छे से और उत्साह से करने का मन करता है। सो अवार्ड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बारिश का मौसम है तो प्रतीक, आपको स्पेशली पूजा को क्या खाना पसंद है? मुझे सब खाना पसंद है कुछ भी दे दो आप मुझे, बट चाय के साथ कुछ भी दे दो, एंड चाय पकौड़े ब्रेड के साथ, मतलब ब्रेड पकौड़े हो या चाय कुछ भी, आई लव एवरीथिंग, मैं आई एम अ फूडी, आई लीट एनी थिंग यू गिव मी। अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो क्या कुछ है पाइपलाइन में? है, देर आर 3-4 थिंग्स दर आर हैपनिंग, अनाउंसमेंट बहुत जल्द होने वाली है, एंड इट इज़ वेरी एक्साइटिंग एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू शेयरिंग इट विद एवरीवन। ओ टी टी स्पेस पे तो आई थिंक बिफोर ऑल द चैनल्स ऑल्सो केम, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ OTT, देर इज़ अ यूट्यूब चैनल कॉल्ड शिटी आइडियाज ट्रेंडिंग, जिसके लिए वेबिसोड्स करते हैं हम, और वो वेबिसोड्स में 6 years से कर रही हूँ, सो वी हैव ऑलरेडी बीन इन दैट स्पेस एंड नाउ आई एम एक्सप्लोरिंग मोर एंड मोर इन दैट स्पेस। मुझे नहीं पता है कि कौन कौन है, आई जस्ट नो दैट देर इज श्रुति है, आई थिंक रुबीना इज देयर, आई थिंक अनेरी इज ऑल्सो देयर, सो आई लाइक ऑल थ्री ऑफ देम, अनेरी एंड श्रुति एंड ऑल देम, दे आर रियली स्ट्रॉन्ग स्वीट गर्ल्स एंड आई होप दे ऑल डू रियली वेल। जी जी ऑफकोर्स, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल एवरी वन दैट वेरी सून यू आर गोइंग टू सी मी बैक ऑन स्क्रीन एंड ऑन सिल्वर स्क्रीन, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर द न्यूज़ विथ यू, एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड कीप लविंग मी। थैंक यू।